थोड़ी देर में मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना होंगे शरद पवार। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, शरद पवार के घर पर बैठक चल रही थी, वो बैठक खत्म हो गए। अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल जैसे नेता शामिल थे शरद पवार के घर पर जो बैठक चल रही थी। इसके पहले उद्धव ठाकरे से, जब से ये सियासी संकट महाराष्ट्र में शुरू हुआ है, दो बार मुलाकात हो चुकी है शरद पवार की। इन सब के बीच मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना होंगे पवार। आपको बताते चले, ये जो कॉन्फिडेंस उद्धव ठाकरे में आया है उसके पीछे पवार की पावर मानी जा रही है, और यही कारण है कि अब शिवसेना एक अलग अंदाज में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में मुंबई में, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में दिखाई दे रही है। लड़ाई बाप बाप पर भी आती हुई। पारस के पास चलते हैं। पारस, थोड़ी देर में दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे शरद पवार, दिल्ली से कैसे नजर रखेंगे मुंबई में? सियासी संकट तो महाराष्ट्र में ही कायम है। बिल्कुल चित्रा, थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूंगा। 2019 का वो वक्त आपको याद होगा जिस समय मुंबई महाराष्ट्र में सियासी भूचाल मचा हुआ था। उस समय संकट मोचन जो है वो शरद पवार थे, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार वो व्यक्ति थे जिन्होंने सरकार में एक नई जान भरी और सरकार को लाने में बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण किरदार निभाया था। ऐसे ही अब फिर एक बार शरद पवार यही कोशिश कर रहे होंगे कि किसी तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार को बचाया जाए, शिवसेना को बचाया जाए। अब इसी के मद्देनजर हम देख रहे हैं लगातार शरद पवार जो है वो ले रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। बड़े बड़े नेता जो है कांग्रेस के, एनसीपी के, वो उनसे मिल रहे हैं। उद्धव ठाकरे, संजय राउत लगातार उनके घर सिल्वर ओक पहुंच रहे हैं, और अब ये बात सामने आ रही है कि वो दिल्ली जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ प्लान ऑफ एक्शन जो है वो उनके पास होगा, क्योंकि हर बार जो जब भी ये सरकार मुश्किल में आई है तब संकट मोचन बन के शरद पवार सामने आए हैं, और शरद पवार ने ही जो है नौका जो है इनकी पार लगाई है। तो इस बार भी धारमदार जो है अब वापस एक बार आ गया है शरद पवार पर, और किस तरीके से प्लान ऑफ एक्शन होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इस बार। प्लान ऑफ एक्शन क्या रहता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जानना, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए आशुतोष, क्योंकि इस बात को समझना होगा शरद पवार अगर दिल्ली में दस्तक देने जा रहे हैं अब से कुछ देर के बाद, तो उसके पीछे राष्ट्रपति चुनाव एक बड़ी वजह है, क्योंकि यशवंत सिन्हा का नामांकन भी होना है। इस कारण से राजधानी दिल्ली आ रहे हैं शरद पवार, लेकिन महाराष्ट्र क्राइसिस जो इस वक्त देखने को मिल रही है, फिर उसको वो कैसे हल करेंगे, कैसे एड्रेस करेंगे? चित्रा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है और उसमें बताया जा रहा है कि जो भी गठबंधन के तमाम बड़े नेता हैं उनको भी शामिल होना है यशवंत सिन्हा के साथ साथ, साथ ही नामांकन की प्रक्रिया है। तो वो कहीं ना कहीं देखिए ऐसे नहीं दिखाएंगे कि अगर एनडीए की ओर से एक मजबूत उम्मीदवार उतरा है तो जो ऑपोजिशन है वो कहीं हल्के में ले रहा है, तो एक तो वो कोशिश हो गई। लेकिन शरद पवार के मार्गदर्शन के लिए उनका यहाँ होना एक तो जरूरी नहीं है, लेकिन जब वो आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीजें बताई, जिस तरह से उन्होंने उद्धव ठाकरे का समर्थन दिया, उसी के बाद आप देख रही हैं कि अचानक से कैसे गठबंधन के जो हाव भाव हैं वो पूरी तरह से बदले हैं। जहां तक हमें जानकारी है कि कल शाम को वो फिर से लौटेंगे मुंबई, आज की बैठक है, उसके बाद जो यशवंत सिन्हा के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, फिर नामांकन की बात है, उसके बाद उन्हें कल शाम तक फिर से यहाँ पर वापस लौटना है। सबकी नजरें इसीलिए शरद पवार पर ही टिकी। तो अगर आपको याद हो, तीन चार दिन से लगातार चर्चा में हम लोग यही जिक्र कर रहे थे कि क्या शरद पवार एक बार फिर इस सरकार और इस गठबंधन के लिए मसीहा साबित होंगे। अब तक जो थी कि देखिए पहले जो है कौन मजबूत था, अचानक किस कौन मजबूती में आ रहा है, लेकिन ये पलड़ा लगातार बदल रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि अभी किसका पलड़ा भारी है।